नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ केयर की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सेफ्ट्राजोन इंजेक्शन के बारे में। इसका कॉम्बिनेशन नाम है दोस्तों सेफ्ट्राजोन। ये कई कंपनियों के नाम से आते हैं, ये तो मोनोसेफ है और भी बहुत कंपनियां सीवन वगैरह नाम से भी ये आते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे इसके यूज़, साइड इफेक्ट और डोज के बारे में। दोस्तों जानने से पहले आपको बता दूं, इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज परपज के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। वीडियो को देखकर कोई भी अपने ऊपर दवाई यूज़ करता है, कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो वह समय जिम्मेदार होगा। दोस्तों तो बता दे, आज ये इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक है। इसको कई कामों में यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसको लूज मोशन में भी ये यूज़ होता है, टाइफाइड में भी ये यूज़ होता है, किसी का घाव हो, बहुत पुराना हो, नया हो, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है दोस्तों। और खांसी में भी इसको यूज़ करते हैं दोस्तों। ये इंजेक्शन नस और मांस दोनों में लगाया जाता है दोस्तों, मतलब कि इंटरमस्कुलर और इंटरवेनस। दोस्तों इसको बात करी जाए तो यह इंजेक्शन 1 ग्राम, 2 ग्राम, 125 mg, 250 mg, 500 mg में आता है दोस्तों। ये टैबलेट फॉर्म में भी आता है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें दोस्तों तो इसको लगाने पर आपको रेडनेस की समस्या हो सकती है, स्किन पे चकत्ते पड़ जाना जिसको कहते हैं, एलर्जी, खुजली, उल्टी, घबराहट, बेचैनी, चक्कर इससे आ सकता है दोस्तों इंजेक्शन से। इसको रेगुलर ज़्यादा दिनों तक यूज़ करने पर दोस्तों आपको किडनी और लीवर पे भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और दोस्तों इसके डोज की बात की जाए तो डोज पेशेंट के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों। एंटीबायोटिक ऐसा नहीं है कि यही टाइफाइड में पेशेंट की कंडीशन देख के उसको दिया जाता है एंटीबायोटिक। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो दूसरा देना पड़ता है दोस्तों उसको, इसलिए इसका स्किन टेस्ट भी किया जाता है इंजेक्शन का। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आज के लिए, सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को ऐसी वीडियो और देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों।